सो हाय गाइस, जल्दी जल्दी जुड़ जाइए आप. आज दीपक सर का, दीप सर का हम कोरियन ट्रीटमेंट कर रहे हैं और बहुत दिन बाद ये फंसे हैं हमें. काफी दिन से ऐसे ही कह रहे थे मैं तो कराना है पहले से कराना. बोल रहा था मैम, आप बोल रहे मेरा थे कोरियन ट्रीटमेंट कर दो, कोरियन ट्रीटमेंट कर दो। फिर. मेरे को टाइम नहीं लग रहा था ना, हाँ, पब्लिक को तो पता है टाइम नहीं पब्लिक को लग रहा था बता, मेरे दीप को। सर के पास टाइम नहीं होता. तो देख रहे हो आप लाइव में, आज दीप सर का हम कोरियन ट्रीटमेंट करने जा रहे हैं. ये देख सकते हो आप, फोन पकड़ो, कैमरा पकड़ो. सर का हमने कोरियन ट्रीटमेंट किया है. सर की काफी डल स्किन हो रखी थी. आप सब बोलते थे ना कि दीप सर का भी कोरियन ट्रीटमेंट करो, दीप सर का भी कोरियन ट्रीटमेंट करो. तो कैसा फील हो रहा है सर आज आपको? अच्छा लग रहा है मैम, मेरे को टाइम बहुत लेट मिला है। गोरा मैं होना तो आपको गोरा बचपन से बचपन से शौक था. शौक था, मेरी माँ को बोलता मैं गोरा होता तो पता नहीं क्या कर देता अब तक। अब क्या कर दोगे सर अब तो मैंने बहुत कुछ कर रखा है और आगे भी करता रहूंगा मैं ऐसे गोरा गोरा होके? होके। जी, तो सर तो बहुत कुछ करना चाहते हैं गोरा होके. आप लोगों को भी गोरा होना है तो आप भी आ सकते हो. मेरे को मैम पूरा फुल बॉडी जो मेरा ट्रीटमेंट है ये भी मेरा चला हुआ है, जल्दी से अपनी फुल बॉडी का जो लोग हमारे को मिलते हैं देखते अरे हैं। बोलना नहीं है, नहीं तो फाइन लाइंस रह जाएंगी, मैं बता नहीं दूंगी. मैं थोड़ी नहीं देर नहीं बोलना फाइन पड़ेगा लाइंस मेरे रह को जाएंगी, फाइन लाइंस, फाइन फुल। लाइंस रह जाएंगी, फाइन लाइंस. बोलना नहीं है अच्छा आपको, पता है आप दूसरों को रोकते हो, खुद बोल रहे हो सर. मैं तो फुल बॉडी तो कोरियन ट्रीटमेंट के बारे में बताना चाहता हूँ ना, मैं फुल चलो बॉडी एक ही बार बोलूँ। बता दो फिर नहीं बोलना. हाँ फिर मेरे को अभी ना अभी 2-3 दिन के बाद मैं फुल बॉडी कोरियन ट्रीटमेंट कराऊंगा। आप लोग खुद जो हमारे से मिलते हैं देखते हैं खुद बताओगे कि हाँ रिजल्ट आया या नहीं आया, फेस पे तो आप बता ही दोगे और 10 दिन के बाद। ठीक है, अब आप बोलो मत. तो आप लोग कहते थे ना दीप सर की जो है बहुत ज्यादा डल स्किन है. ठीक है, पिगमेंटेशन तो खैर इनको नहीं थी, डलनेस थी थोड़ी सी और टैनिंग थी, ब्लैक कलर था इनका. तो इनको अभी इनका जो खुद का एक्चुअल कलर है वो 6 to 8 शेड लाइट हो जाएगा, फेस पे वाइटनिंग ब्राइटनिंग आएगी. वैसे तो हमने हजारों लाखों लोगों को ठीक किया था, पिगमेंटेशन से मुक्ति दिलवाई थी, मेकअप से छुटकारा दिलवाया था. तो अब हम दीप सर को भी कालेपन से छुटकारा दिलवा रहे हैं. ये भी वाइट हो जाएंगे बिल्कुल, ठीक है, ये गोरे हो जाएंगे. तो फिर क्या इरादा है सर आपका आगे का? बाकी का इरादा है, मैं लोगों को खुद कोरियन ट्रीटमेंट करता था, अब मैं खुद करवा रहा हूँ, मेरे को बहुत अच्छा फील हो रहा है और अब रिजल्ट पब्लिक बताएगी कि कैसा अब है। आप मुझे कमेंट में ये बताओगे सर का रिजल्ट कैसा रहेगा? 6 शेड लाइट होगा या 8 शेड लाइट होगा या 4 होगा या 5 होगा या 3 होगा, वो आप लोग बताओगे. और सर की एज भी साथ में आप लोग मुझे कमेंट में बताओगे कि सर की एज क्या है और ट्रीटमेंट के बाद क्या लगेगी एज, वो भी आप मुझे कमेंट में बताओगे. सच सच बताइयो भाई, मेरी बहनों मेरे भाइयों सच सच बताना, मैडम की बात तो मैं बताना मैडम की या बहन की? मैडम की बात तो मैं बता रहा हूँ। जी, तो मेरी बातों में आओ ना आओ पर आप लोग कमेंट में जरूर बताना कि दीप सर की कितनी एज है और अब कोरियन ट्रीटमेंट के बाद कितनी हो जाएगी और ये कितने शेड गोरे हो जाएंगे. तो आप लोगों को अब दिवाली फेस्टिवल था, त्योहारों का सर, ये आपकी मैंने लाइटिंग की है. अब आपने मॉर्निंग में फेस वॉश करना है, उससे ठीक है पहले मैम, नो हैंड टच नो वाटर टच ठीक है कहीं मैम, पे भी. जैसे कई बार क्या होता है, कई क्लाइंट ट्रीटमेंट के बाद या ट्रीटमेंट से पहले या ट्रीटमेंट के दौरान बार बार अपने फेस को टच करते हैं, हाथ लगाते हैं, आपने वो नहीं करना है. उससे ठीक क्या है होता है, कई बार देखो हमारे हाथ यहाँ लग गया, यहाँ लग गया, कहीं कहीं हमारा हाथ लगता है तो उसमें जर्म होते हैं. जब हम अपने फेस मैडम, पे, मेरे को सब पता है, इनको बताओ एक बार इनको ही थोड़ा बता रही हूँ, सा। इनको अच्छा ही अच्छा बता रही ठीक हूँ, आपको बताऊंगी ना तो वो समझेंगे, वो है सोचेंगे दीप सर को कुछ खास बात बता रहे हैं इसलिए वो समझेंगे, वैसे नहीं समझेंगे. ठीक है, ठीक है मैम, तो आपने बार बार अपने फेस को टच नहीं करना. अगर आप टच करोगे तो आपके फेस अनहाइजीन हो जाएगा, जम्स फैलेंगे, एक्ने निकलेंगे, फिर कोई ना कोई प्रॉब्लम आएगी. तो आप अपने फेस को हाइजीन रखो, अपने हाथों को हाइजीन रखो, बार बार वॉश करो. वॉश नहीं कर सकते तो हैंड क्रीम लगाओ, सैनिटाइजर लगाओ, बट हाथ को फेस पे टच नहीं करना, मींस नहीं करना है. अब सर का 1 से 1.5 महीने में रिजल्ट आ जाएगा, हमारे सर तो गोरे हो जाएंगे. अब आपने कैसे गोरा होना है, आपने कब ट्रीटमेंट लेना है वो मुझे कमेंट में बताना. और कल आ रहे हैं हम दिल्ली में, दिल्ली की कल सिटिंग्स करेंगे हम. 15 15 ना सर, 15 में 15 तारीख को हम दिल्ली में सिटिंग करेंगे, 16 को हम गुरुग्राम में सिटिंग करेंगे. तो दीप सर की तो मैंने बोलती बंद कर दी है, 1 घंटे इनको ना कुछ बोलना है ना कुछ खाना एक पीना है. रिक्वेस्ट बुक करना चाहता हूँ, नो कल जो पब्लिक आए ना प्लीज थोड़ा आराम से बोलना नहीं है, ट्रीटमेंट के बाद ये ध्यान रखना है। आप लोगों को, मैंने मकसद मेरा दीप सर को तो सब पता है पर मैं उनको क्यों समझा रही हूँ कि आपको समझ आ जाए वो बात. तो आपने ट्रीटमेंट के दौरान या ट्रीटमेंट के बाद बोलना नहीं है, नहीं तो फाइन लाइंस रह जाती हैं. तो दीप सर ने भी चुप रहना है, एक मेरा छुटकारा मिल गया मुझे, 1 घंटे तक तो ये बोलेंगे नहीं, अब मजा आ गया है ना सर. तो वैसे भी नहीं बोलते, अच्छे हैं सर, दीप सर बहुत अच्छे हैं.
अब मैं आपके सवालों के जवाब दूंगी, आ जाओ जुड़ जाओ मेरे साथ जल्दी जल्दी। ये देखो दीप सर, बोलना नहीं है तो प्राइस इसका हम नहीं बता सकते क्योंकि सिटिंग आपका फेस चेक करके ही सिटिंग होगी। और सोनीपत तो नहीं आ रहे हैं अभी, हम दिल्ली आ रहे हैं, सोनीपत वाले दिल्ली आ सकते हैं। सो गाइज मिलते हैं। और हाँ आप लोगों को एक मेन बात ये बतानी है, फेस्टिव सीजन आ रहा है, जा चुका है यहाँ के भी, तो आप लोगों की दिवाली कैसे कैसे बनी बताना, मेरी तो अच्छी नहीं बनी थी, आप लोग बताना आपकी कैसी दिवाली बनी, आपकी कैसी बनी सर? मेरी अच्छी थी। आपकी अच्छी बनी थी, मेरी अच्छी नहीं बनी थी क्योंकि मैं बीमार पड़ गई थी तो मैं इंजॉय नहीं कर पाई थी दिवाली को। और आप लोग मुझे बताना आपकी दिवाली कैसी गई है। और मुझे ये बताना था कि सर्दियों का सीजन आ रहा है। मुंबई कब आ रहे हो? मुंबई आ रहे हैं 20 तारीख को। मुंबई 20 और 21, दो डेट है सर। हाँ, दो डेट है, क्लाइंट ज्यादा है तो दो डेट है, 20 और 21 को हम रहेंगे वहाँ पे। अपॉइंटमेंट के लिए हम पिन कर देंगे नंबर हमारा जो 01 वाला नंबर है। अपॉइंटमेंट कब लेनी है? रोहतक की अभी से ले सकते हो, हमारी अपॉइंटमेंट खुली हुई है, आप हर जगह की अपॉइंटमेंट कभी भी ले सकते हो, अपॉइंटमेंट हमेशा हमारी ओपन रहती है, आने से पहले हम आपको बता देते हैं। हर जगह की अपॉइंटमेंट आप किसी भी टाइम एनी टाइम 24 घंटे में किसी भी टाइम ले सकते हो और कभी की भी डेट ले सकते हो जी। तो सर्दियों का सीजन आ रहा है, अब आप लोग मॉइस्चर के बारे में काफी लोग मेरे से पूछ रहे थे कि कौन सा मॉइस्चराइजर लगाना चाहिए। सो जॉनसन्स बेबी का आता है, छोटे बच्चों के लिए मॉइस्चराइजर आता है, वो आपने लेना है मेडिकल स्टोर से। सो आप वो लगा सकते हैं, वो आपने दिन में जल्दी कौन सी कंपनी का लगाना है अभी तो आप जब तक हमारा मॉइस्चराइजर नहीं आ रहा है आप जॉनसन्स बेबी का लगा सकते हैं। जॉनसन्स बेबी दिन में 3 से 4 बार लगाना, फेस वॉश किया और वो मॉइस्चराइजर लिया, पूरे फेस पे लगा लिया। और जिन लोगों ने रिकवरी सीरम मेरे से ऑलरेडी बाय कर रखा है, पहले आप फेस वॉश करके सीरम लगाओ, उसके बाद मॉइस्चराइजर लगाओ, मॉइस्चराइजर के ऊपर से आप SPF यानी कि सनस्क्रीन अपनी लगा लो, तो आपके फेस पे डलनेस वगैरह नहीं आएगी और फेस हाइजीन भी रहेगा और फेस आपका हाइड्रेट भी रहेगा। खूब सारा मॉइस्चर लगाना है सर्दियों के सीजन में। और जिन जिन लोगों ने ताज़ा सिटिंग ली है मेरे से, अभी नई नई सिटिंग ली है, ड्राइनेस आ रही है, वो लोग भी खूब सारा मॉइस्चर लगाओ और अपने अभी जॉनसन्स बेबी का ही लगाना है। और पहले सीरम लगाना है, फिर मॉइस्चराइजर लगाना है, फिर 5 मिनट बाद आपने सनस्क्रीन लगानी है और रात को आपने नाइट क्रीम और नाइट पैक लगा के सोना है, जो कि मैंने आपको दिया हुआ है। जिन लोगों ने नहीं लिया है वो भी मेरे से ले सकते हैं। तो मेन मकसद मेरा एक तो आपको बताना ये था कि आपने हाथ नहीं लगाना बार बार अपनी स्किन को, हाथ लगाओगे तो वो अनहाइजीन हो जाएगी और फेस पे डलनेस नहीं रहेगी। मैम आपकी अपॉइंटमेंट कैसे बुक होती है? हम यहाँ पे स्क्रीन पे एक अपना नंबर या मैं अपनी बायो में नंबर छोड़ दूंगी, वो नंबर पे अब हमारा टोल फ्री नंबर है, उस पर कॉल करके अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हो। स्किन वाइटनिंग भी किया जाता है या सिर्फ पिगमेंटेशन रिमूव होता है? जी बिल्कुल, स्किन वाइटनिंग का भी हमारे पास ट्रीटमेंट है, कोलाजन बूस्टिंग का भी ट्रीटमेंट है और इलास्टिसिटी बूस्टिंग का भी हमारे पास ट्रीटमेंट है। तो वो कराने के लिए पहले आपकी स्किन चेक करनी पड़ेगी, स्किन चेक करके हम आपको बता पाएंगे। मैम मेरा 27 को अपॉइंटमेंट है, मेरे 2 मंथ का बेबी है तो मुझे अटेंड जल्दी करना। जी बहन आप जल्दी आना तो जल्दी अटेंड करेंगे, हम तो कहते हैं आप लोगों के लिए ही हम वहाँ पे आते हैं इतने दूर। अपॉइंटमेंट के बाद एड्रेस आपने कहाँ आना, अगर चंडीगढ़ आना है तो तुरंत आपको एड्रेस मिल जाएगा, अगर आपने कहीं बाहर वाले विजिट पे आना है तो विजिट से एक दिन पहले आपको मिलेगा और आपको जो है एड्रेस। यूके कब आओगे? यूके भी जल्दी आएंगे बहन, बहुत जल्दी आएंगे। जोधपुर तो अभी आने का प्लान नहीं है बट और जल्दी आने का हम प्लान बना रहे हैं। बॉम्बे के लिए हम एक दिन पहले आप लोगों को बता देंगे लोकेशन कहाँ आना है। 20 और 21 को मुंबई आ रहे हैं और कल 15 और 16 को हम दिल्ली और गुरुग्राम में हैं। जिन लोगों ने अब तक अपॉइंटमेंट बुक नहीं कराई है तो वेट मत करिएगा, मैं नंबर अटैच कर रही हूँ, इस नंबर पे कॉल करके अपने अपॉइंटमेंट बुक करा दीजिएगा। सो मिलते हैं कल दिल्ली में और 20 तारीख को मिलते हैं मुंबई में। सो गाइज प्यार ऐसे ही बनाए रखना अपना, लव यू।